राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे और जयपुर के युवा कांग्रेसी नेता रोहित जोशी विवादों में फंस गए हैं। मंत्री के बेटे पर दिल्ली के दक्षिण इलाके में सदर बाजार थाने में एक 0 FIR दर्ज की गई है, जिसमें रोहित पर रेप और ब्लैकमेलिंग के अलावा शारीरिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मंत्री के बेटे के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में यह मामला सवाईमाधोपुर के महिला थाने को भेजा गया। पीड़िता ने मंत्री के बेटे के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए सदर थाना पुलिस को धारा 376, 328, 312, 368, 377, 506 और 509 में मामला दर्ज करवाया है। जोशी के खिलाफ दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया है कि रोहित जोशी ने उसे सवाई माधोपुर के एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो भी बनाए। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रोहित ने उसे मुंह खोलने पर उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। वहीं रोहित ने अपने पिता मंत्री महेश जोशी की राजनीतिक पहुंच का पीड़िता को डर भी दिखाया है। वहीं आपको बता दें, पीड़िता के मुताबिक रोहित से उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी। साथ ही साथ पीड़िता के मुताबिक रोहित ने उससे प्यार करने और जल्द ही शादी करने का झूठा वादा भी किया था। यही नहीं, गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि रोहित को उसके गर्भवती होने का पता चलने के बाद उसने शराब के नशे में उसे गर्भपात की गोली भी खिलाई और मारपीट की, और अब रोहित की तरफ से उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। पुलिस को शिकायत में पीड़िता ने उसे और उसके परिवार को रोहित जोशी से जान का खतरा बताया है। पीड़िता ने पुलिस से मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।